फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। और डिटेल रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट foodconnectionsbymadhulika.com पर विजिट करें। मैं दो तरह के यीस्ट को यूज करना बताऊंगी। हाँ, एक बार आप ये ब्रेड का आटा लगा लेंगे तो आप कभी भी मार्केट से ब्रेड नहीं लाएंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ, प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। ये ब्लू पैक में जो यीस्ट है, ये फ्रेश यीस्ट है, ये ब्लॉक फॉर्म में आता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये किसी भी आपको लोकल बेकरीज पे मिल जाएगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वह आपको यह दे देते हैं। पर इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कम ही रिकमेंड करती हूँ। और ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में आता है, ये ग्रोसरी स्टोर्स पे मिल जाता है पर रिजल्ट नहीं देता है। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, यह बहुत ही अच्छा और परफेक्ट रिजल्ट देता है। मैं 3 to 4 years से ये ही यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आपको फ्रेश ईस्ट और एक्टिव ईस्ट सिखाऊंगी। देखिए, ये इस तरह से ग्रैन्यूल्स में आता है, ये वैक्यूम पैक है। आप इसे जस्ट कट करें और एक एयर टाइट डिब्बे में भर कर फ्रीजर में रखें। ये 1.5 to 2 साल तक इजीली आपको अच्छे रिजल्ट देगा और परफेक्ट रिजल्ट देगा। अब मैं ये दोनों ईस्ट आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आप देखिए कि यदि किसी रेसिपी में इंस्टेंट और एक्टिव ड्राई ईस्ट को लिखा है कैसे यूज़ करना है, तो 1 teaspoon इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट इक्वल्स टू फ्रेश 1 tablespoon एक्टिव ड्राई ईस्ट है। अब मैंने सबसे पहले फ्रेश ईस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ल्यूकवॉर्म पानी लिया है, ये हल्का गर्म होना चाहिए। इसमें मैंने 1 चम्मच पाउडर शुगर डाला है और 1/2 चम्मच नमक डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। ध्यान रखें, पानी हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। अब मैंने इस फ्रेश ईस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। जी हाँ, मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था, इसलिए इस तरह से हो गया है। अब इसे 1 टेबल स्पून में भरें और इसे ल्यूक वॉर्म पानी में ऐड करें। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून फ्रेश ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिलाएं और करीब 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख दें। 10 मिनट बाद ईस्ट इस तरह से ब्लूम हो जाएगा। यदि अच्छे से नहीं फूलता है तो आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए और वापस से बनाएं। यहाँ पर ये फ्लैक्स सीड है, जहाँ फ्लैक्स सीड का मैंने यहाँ पाउडर बना रखा है। इसे मैंने 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड में 2.5 टेबल स्पून गर्म पानी डाला है और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया है। ये एग रिप्लेसर का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मैंने यहाँ पे घर का पिसा हुआ गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें बचा हुआ नमक और बची हुई चीनी डालकर अच्छे से मिलाया है। ये मैं गेहूं के आटे से ब्रेड का आटा लगाना सिखा रही हूँ। अब जो हमने फ्रेश ईस्ट को गर्म पानी में सोख किया था, उसको अच्छे से हिलाकर इसमें मिक्स कर देंगे। और जो हमने फ्लैक्स सीड पाउडर को मिलाया था, वह भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, घर के आटे की ब्रेड बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसे ल्यूकवॉर्म पानी से एक सॉफ्ट आटा लगाएं। इस तरह से हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। अब प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करें और इस डो को इस पर रखें और करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसे खींचते हुए नीट करें। जी हाँ, ये स्टेप इसमें बहुत ही जरूरी है। गेहूं के आटे को थोड़ा हमें ज़्यादा गूंदना पड़ता है। ये अभी एकदम इस तरह का रफ लग रहा है और थोड़ी देर बाद में ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। देखिए, आटा काफी हद तक स्मूथ हो चुका है। अब इसे इकट्ठा करें और एक राउंड और स्मूथ बॉल का शेप दें। अब इसे एक ग्रीस्ड बाउल में
रखें और हमें आटे को भी इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप यहाँ पे तेल या घी या बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसे एक क्लिंग फिल्म या फिर किसी प्लेट से ढककर गर्म प्लेस पर 1 घंटे के लिए रख दें। इसे गर्म स्थान पे ही रखें, धूप में डायरेक्ट इसे कभी ना रखें। अब हमने मैदा का आटा लगाना सिखा रही हूँ। इसमें नमक और शुगर डालना है और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 2 चम्मच डाला और अच्छे से मिलाया। यहाँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को सोक करने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट डाला है। आप ल्यूकवॉर्म पानी से आप इसका एक सॉफ्ट डो लगाएं। आप यहाँ पर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक सॉफ्ट और चिपचिपा डो लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे तेल की जगह बटर का यूज करना बता रही हूँ। आप यहाँ पे तेल भी यूज कर सकते हैं। इसे करीब 7 से 8 मिनट तक हमें पुल और स्ट्रेच मेथड से नीट करना है। अच्छे से गूंधें ताकि हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से बने। अब हमारा आटा काफी अच्छे तक स्मूथ हो चुका है। इसे खट्टा करें और एक स्मूथ बॉल का शेप दें। अब इसे एक ग्रीस्ड बाउल में रखें और आटे को भी अच्छे से ग्रीस कर लें। देखिए कितना इजी है ब्रेड का आटा लगाना। अब इसे एक क्लिंग फिल्म या एक प्लेट से ढककर गर्म प्लेस पर 40 से 60 मिनट तक रखें। देखिए ये गेहूं के आटे को हमने प्रूव करा है और इधर ये मैदे का आटा, ये भी कितने अच्छे से फूल कर आया है। इस तरह से आप घर पर इन दोनों आटे को गूंथ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।